प्यारे विद्यार्थियों, मैं बलवंत भंडारी और आप देख रहे हैं मेरा YouTube चैनल गुरु एंड देव। आज कक्षा 12वीं फिजिक्स भौतिक शास्त्र का प्रश्न है स्वप्रेरण और अन्योन्य प्रेरण में अंतर, सेल्फ इंडक्शन और म्यूचुअल इंडक्शन में अंतर की हम बात करेंगे। इस प्रश्न में जो मुख्य बातें हैं उनको यहाँ हमने सम्मिलित किया है। सबसे पहले हम बात करते हैं सेल्फ इंडक्शन। सेल्फ इंडक्शन वो इंडक्शन होता है जिसमें किसी कुंडली में बहने वाली धारा में परिवर्तन करने से उसी कुंडली में, यहाँ शब्द आया है, उसी कुंडली में प्रेरित धारा उत्पन्न होती है। इस घटना को स्वप्रेरण कहते हैं। म्यूचुअल इंडक्शन में यही बात करें अपन तो किसी कुंडली में बहने वाली धारा में परिवर्तन करने से उसके पास रखी दूसरी कुंडली में, यानी यहाँ पर एक नया पॉइंट आपका क्लियर हो जाता है, पास रखी दूसरी कुंडली में प्रेरित धारा उत्पन्न होती है। इस घटना को हम अन्योन्य प्रेरण कहते हैं। सेकंड पॉइंट देखिए, प्रेरित धारा कुंडली की मुख्य धारा को सीधे प्रभावित करती है, यानी डायरेक्ट वो इसको प्रभावित करती है। अन्योन प्रेरण या म्यूचुअल इंडक्शन में प्रेरित धारा दूसरी कुंडली में बहती है, अतः प्राथमिक कुंडली की मुख्य धारा को सीधे प्रभावित नहीं करती है। यानी सेल्फ इंडक्शन में जो स्थिति है उसमें डायरेक्ट वो प्रभावित करती है और यहाँ उसको डायरेक्ट प्रभावित नहीं करती है। तीसरा पॉइंट देखिए, स्वप्रेरण के लिए एक कुंडली की आवश्यकता होती है, यानी एक कुंडली होती है तो ही यहाँ पर स्वप्रेरण की घटना हो जाती है। लेकिन अन्योन्य प्रेरण के लिए दो कुंडलियों का होना आवश्यक है जो प्राथमिक और द्वितीयक होती है। इस प्रकार सेल्फ इंडक्शन की जो हम घटना को अगर देखना चाहें तो इसमें इस प्रकार से एक कॉइल होती है और इस कॉइल में यदि हम कोई धारा प्रवाहित करते हैं और धारा प्रवाहित करने पर ये जो धारा प्रवाहित होती है ये जब चेंज किया जाता है, इस धारा के मान को परिवर्तित किया जाता है तो इसी कुंडली में एक प्रेरित धारा उत्पन्न हो जाती है और वो घटना कहलाती है सेल्फ इंडक्शन। जबकि अन्योन्य प्रेरण की घटना में यहाँ पर दो कॉइल का होना आवश्यक है, एक कॉइल दूसरी कॉइल के पास रखी होती है और यहाँ पर जब धारा मापी लगा होता है तो इस कुंडली में, प्राथमिक कुंडली इसको हम बोलते हैं, इसमें यदि धारा के मान में परिवर्तन करते हैं तो इस सेकेंडरी कॉइल में परिवर्तन, धारा के मान में परिवर्तन होता है, प्रेरित धारा उत्पन्न होती है, इसलिए यह अन्योन्य प्रेरण कहलाता है। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और अपने दोस्तों को जरूर बताएं। ओके, थैंक यू, जय जय।